हेलो फ्रेंड्स, सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो। एंड गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले कि शॉर्ट एंड क्या है और शॉर्ट एंड क्या है, किस तरह से इसमें जॉब ली जा सकती है और शॉर्ट एंड यहाँ पे बेसिक चीज समझेंगे कि शॉर्ट एंड कहाँ से आई और यहाँ पे होता क्या है, किस तरह की लैंग्वेज है और यहाँ पर किस तरह से ये बनाई जाती है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि क्या शॉर्ट एंड का स्कोप है आगे फ्यूचर में। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले काफी लोगों को नहीं पता है कि शॉर्ट एंड होती क्या है। इन एक्चुअल शॉर्ट एंड होती क्या है, स्टार्टिंग में कुछ लोग थे जिन्होंने इसको बनाना चाहा था और जिन्होंने इसको बनाया था। शॉर्ट एंड में हम एक्चुअली कुछ स्ट्रोक्स हैं वो बनाते हैं और कुछ ऐसे सिंबल्स हैं, कुछ एब्रीवेशन है जिसकी हेल्प से हम ये लैंग्वेज बनाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप किसी भी स्कोप में जाते हैं, किसी भी आप इंडस्ट्री में जाते हैं, तो वहां पर अगर कोई प्रेजेंटेशन होती है तो वहां पे आपको इंग्लिश में लिखते हैं या हिंदी में लिखते हैं वो अपना नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं शॉर्टहैंड की बात करूं तो इसी स्पीड को मैं लिख सकता हूं शॉर्टहैंड में, जो भी मैं बोल रहा हूं इसको शॉर्टहैंड में मैं यहां लिख सकता हूं। ठीक है गाइस, तो ये तो बात हुई शॉर्टहैंड होती क्या है। एब्रीवेशन से सिंपल की वजह से हम ये बनाते हैं, शॉर्टहैंड बनाते हैं। तो दूसरी बात, ये आई कैसे थी और कौन कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने इसको बनाया था। यहाँ पे स्टार्टिंग में तीन ऐसे लोग आए थे जिन्होंने शॉर्टहैंड बनाई थी। तो तीन ऐसे शॉर्टहैंड आपने नाम भी सुने होंगे कि पहला जो था वो था पिटमैन। ठीक है गाइस, तो ये आइज़ैक पिटमैन ने जो लैंग्वेज बनाई थी, शॉर्टहैंड बनाई थी, वो हम मोस्टली अभी यूज करते हैं। जो आप जॉब देखते हैं वहां पे भी ज्यादातर मिस्ट्रीड है, वो भी यही लैंग्वेज सिखाते हैं। दूसरी शॉर्टहैंड की बात करूं तो वो थी ग्रेग। ठीक है, ग्रेग ने मतलब रॉबर्ट ग्रेग जिनका नाम था, उन्होंने ये बनाई थी। तो उन्होंने जो शॉर्टहैंड बनाई वो भी यूज की जाती है, वो भी काफी लोग सीखते हैं, लेकिन उसके कंपेरिजन में जो पिटमैन शॉर्टहैंड है वो ज्यादा कंफर्टेबल समझी जाती है और वो ज्यादा इजी समझी जाती है, इसलिए हम वो बनाना चाहते हैं यहाँ पर, वो यहाँ पे हम सीखते हैं। ठीक है, तीसरी जो आती है वो आती है टी लाइन। तो टी लाइन जो है जेम्स हिल ने बनाई थी और टी लाइन जो मोस्टली है वो यूके में यूज की जाती है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बता दूं तो पिटमैन की शॉर्टहैंड हम यहाँ पे सीखते हैं इंडिया में, मोस्टली जो लोग हैं वो पिटमैन की शॉर्टहैंड सीखते हैं। तो वो शॉर्टहैंड में होता क्या क्या है, जैसे हमने देखा होगा इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं, कंसोनेंट्स होते हैं, वोवल्स होते हैं, तो यहाँ पर शॉर्टहैंड में कितने कंसोनेंट्स होते हैं, कितने वोवल्स होते हैं। अच्छा, शॉर्टहैंड में हमारे पास में 24 कंसोनेंट्स होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि वोवल्स की, तो 12 यहाँ पर वोवल्स होते हैं और 4 यहाँ पे डायफ्राम होते हैं। ठीक है, अगर आप क्लासेस देखेंगे जो मेरी वीडियोस है, अदर वीडियोस है, वहां पे आपको सब कुछ पता लगेगा कौन 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 से यहाँ पे कंसोनेंट होते हैं, कौन से वोवल्स होते हैं, क्या डिफ्थोंग्स होते हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं कि इंडिया के अलावा अगर आप शॉर्टहैंड जानते हैं, पिटमैन शॉर्टहैंड जानते हैं, तो आप कहाँ कहाँ पे जॉब ले सकते हैं या कहाँ कहाँ पे ये लैंग्वेज यूज की जाती है। ठीक है, पहला जो है इंडिया में, दूसरा बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका एंड मालदीव, ये मोस्टली ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर शॉर्टहैंड पिटमैन यूज की जाती है। अगर आप ये लैंग्वेज जानते हैं, ओके, अगर आप शॉर्टहैंड जानते हैं, तो आप इनमें से किसी भी कंट्री में जाकर जॉब कैपेबल है कि वहां पर जाकर कर सकते हैं, आपको जॉब मिल सकती है, लेकिन डिपेंड करता है क्वालिफिकेशन पे। ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज जाना एक बेसिक चीज नहीं है, ये सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है, ये सिर्फ एक डिजायरेबिलिटी है। इसके साथ में आपको क्या क्या चाहिए, देखिए इसके साथ में आपको ग्रेजुएशन चाहिए। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई ऐसी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफिस है, जहां पर ग्रेजुएशन मांगी जाती है, या कहीं कहीं पे जैसे SSC की बात करूं मैं, SSC में या CRPF में या CISF में, यहाँ पर 12th पास भी लिए जाते हैं जिनको शॉर्टहैंड आती है। अच्छा, दूसरी बात है शॉर्टहैंड का कोर्स जो है वो किस तरह का होता है, कितने टाइम में कवर हो जाता है। ठीक है, शॉर्टहैंड का जो कोर्स है वो मिनिमम 6 मंथ आपको बेसिक कवर करने में लगता है। यहाँ से बेसिक के हम लोग जो फॉलो करते हैं वो हमारे पास में पिटमैन की शॉर्टहैंड की बोर्ड है, तो वो फॉलो करते हैं। मिनिमम आपको 6 मंथ लगने ही लगने हैं जिस तरह से आप करें। अगर आप जल्दी खत्म करना चाहते हैं तो वो आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा। ठीक है, अगर आप कोई भी चाहता है कि मैं इसको जल्दी खत्म कर लूंगा, कुछ भी नहीं है मुझे, तो गाइस सीरियसली 6 मंथ से अगर आप जल्दी खत्म करना चाहते हैं तो आप सेम है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपके माइंड में कुछ नहीं घुसेगा, बाद में आपको टेंशन हो सकती है इसका। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा टाइम लीजिए, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। ठीक है, जितना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा बाद में आके उतनी ही आपकी जल्दी स्पीड बनेगी। ओके, उसके बाद स्पीड की बात करूं मैं, स्पीड गेन करना आप पे डिपेंड करता है। 6 मंथ, 7 मंथ, कई लोगों को 1 ईयर लग जाता है,
जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी स्पीड बनेगी। एक दिन में आप 3-4 घंटे स्पीड के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसके मैं भी लास्ट में बताऊंगा किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, ये चीज में भी लास्ट में मेंशन करूंगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे करियर स्कोप क्या है, कि अगर आपको शॉर्ट हैंड आती है तो आप कहाँ कहाँ पर जॉब अटेन कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है, और कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ पर जॉब अवेलेबल है शॉर्ट हैंड में, ठीक है। तो जो पहले जो जॉब है करियर आपको मिल सकता है वो है एज अ न्यूज रिपोर्टर। अगर आप न्यूज रिपोर्टर की जॉब करना चाहते हैं या टीवी न्यूज एडिटर की जॉब करना चाहते हैं या आप कंपनीज में किसी भी कंपनी में एज अ सेक्रेटरी जॉब करना चाहते हैं किसी भी बॉस के अंडर में, तो वहां पे आप कर सकते हैं। या प्रेस रिपोर्टर की जॉब कर सकते हैं, पार्लियामेंट में आप देख सकते हैं रिपोर्टर की जॉब निकलती है और जो मुझसे भी निकली हुई है लोकसभा में। उसके बाद अगर पर्सनल सेक्रेटरी आप जॉब करना चाहते हैं, किसी के पीए बन सकते हैं, तो उसको छोड़कर आप असिस्टेंट मिनिस्टर बन सकते हैं। कोई भी मिनिस्टर है, कोई भी मिनिस्ट्रीज है, वो एसएससी थ्रू एग्जाम्स निकलती है, तो वहां पे आप उसको क्लियर करके किसी भी मिनिस्ट्री में किसी भी मिनिस्टर के असिस्टेंट बन सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे मैं बात कर चुका हूँ कि एजुकेशन के लिए क्या चाहिए, 12th पास ग्रेजुएशन आपको नेसेसरी होनी चाहिए। सैलरी की बात करूँ तो सैलरी यहाँ पे अच्छी मिल जाती है, 12th पास बंदे को भी अच्छी सैलरी यहाँ पे मिल सकती है। अच्छा, यहाँ तक तो कवर हुआ कि शॉर्ट एंड होती क्या है, क्या इसमें सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपको एक एडवांटेज इसका कि शॉर्ट एंड आप सीखते क्यों है। लोग यहाँ पे शॉर्ट एंड सीखना क्यों पसंद करते हैं, ये चीज कि आपको क्यों शॉर्ट एंड में जाना चाहिए, ठीक है। काफी लोग कहते हैं यार ये कीड़े मकोड़े क्या बनाते रहते हैं, समझ नहीं आता उर्दू जैसी लैंग्वेज समझ नहीं आती हमारे, ठीक है। लेकिन वही उर्दू जैसी लैंग्वेज ना सर आपको काफी आगे तक लेके जा सकती है। अब उसका स्कोप मैं आपको बता रहा हूँ, इसका स्कोप ये है कि अगर आप मान लो आप 12th पास अपने कर लिए, उसके बाद आप जॉब करना चाहते हैं शॉर्ट एंड की, शॉर्ट एंड की छोड़ो, आप डाटा एंट्री ऑपरेटर जॉब जाओगे, सीजीएल का एग्जाम पकड़ोगे, बैंक का एग्जाम पकड़ोगे, कोई से भी एग्जाम ले लो ना, तो वहाँ पे यार कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। मैथ्स का एग्जाम है जिसका मैथ्स कमजोर है, तो मैं आपको फ्रेंकली बता दूँ यार उनमें आपको खुद पता है कि मैथ्स का एग्जाम मैथ्स इसका सही से कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके लिए तो थोड़ा सही रहेगा, लेकिन जिसका मैथ्स कमजोर है वहाँ पर सीजीएल वगैरह ये जो आईबीपीएस के एग्जाम्स है, एसबीएमयू का एग्जाम है, वहां पे आपको मुश्किल पड़ सकती है। लेकिन यहाँ पे इसका एक एडवांटेज ये है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो मेरी राय में यह है कि अगर आप एसएससी का एग्जाम देते हैं एसएससी स्टैनो का, तो वहां पे आपको 12th पास चाहिए सिर्फ, ओके, बाकी कोई परसेंटेज नहीं देखी जा रही है। एग्जाम जो होता है इसका रिटन एग्जाम, उसमें आपके क्वेश्चन कौन से आते हैं, क्वेश्चन आपके सिर्फ 100 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, 50 क्वेश्चन आएंगे जीके से रिलेटेड, 50 क्वेश्चन आएंगे आपके रीजनिंग के, रीजनिंग में आप इजीली क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ में। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इंग्लिश में जिसकी कमांड हो जाएगी इजीली आप बना लोगे 2-3 महीने की प्रैक्टिस के साथ में अच्छे से इंस्टीट्यूट से ज्वाइन करके, ठीक है। अगर आप खुद भी पढ़ लेते हैं तो अच्छे तरह से आप इंग्लिश को कर सकते हैं, आप लास्ट के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए या कोई बुक फॉलो कर लीजिए, ठीक है। बुक भी अच्छी अच्छी आ रखी है, तो किरण पब्लिशर की अच्छी बुक है वो फॉलो कर सकते हैं, 100 में से आप मार्क्स निकाल सकते हैं। और जीके है आपकी, जीके आप कर सकते हैं। अगर आपने 200 में से 150 या 140 तक भी आपने मार्क्स गेन कर लिए, आपकी जॉब पक्की है, आपकी शॉर्ट हैंड अगर आपकी अच्छी है तो, ठीक है, आप इजीली जॉब अटेन कर लेंगे और अच्छी सैलरी मिलती है यहाँ पर, ठीक है सर। तो ये आपको बेस्ट जॉब मेरे को लगती है इन माय ओपिनियन। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि शॉर्ट हैंड का कॉन्सेप्ट क्या है, कि शॉर्ट हैंड क्यों सीखना चाहते हैं लोग और क्यों ये जरूरी है, ठीक है। अच्छा, तो अगर आप शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आप नीचे देख सकते हैं, एक सब्सक्राइब का ऑप्शन होगा वहां पर आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है, जैसे ये ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, उसके बाद में साथ में आपको एक ऑप्शन बाद में नजर आएगा नोटिफिकेशन का, जैसे रिंग बनेगी तो आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद आप लाइक पे क्लिक कर देना, उसके बाद आप कमेंट कर देना, उसके बाद कुछ भी रहता हो तो आप कर देना, शेयर वगैरह कुछ भी कर देना यार, ठीक है। लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है शॉर्ट हैंड होता क्या है सबको पहुंचनी चाहिए। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर करें इसे, और अगर आप शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट करें, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन होगा, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। अगर बुक आपको लेना चाहते हैं या आप अगर बुक्स लेना चाहते हैं, अगर आप शॉर्ट हैंड के एडवांस आउटलाइंस लेना चाहते हैं, लीगल के वर्ड्स लेना चाहते हैं, लीगल के डिक्शनरी लेना चाहते हैं, या आप डिक्टेशन की बुक लेना चाहते हैं, तो वो सब डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, आप वहां पे जाके परचेस कर सकते हैं एंड अपना कॉन्टैक्ट नंबर लीव कर सकते हैं अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं। आपको ऑडियो भी मिल जाएगी, ऑडियो सीडी भी मिल जाएगी डिक्टेशन की, अगर आपको चाहिए नोटिफिकेशन में आप जाके चेक कर सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं आपको जो भी आपको चाहिए, ठीक है।
और अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर काफी सारी वीडियोस हैं जहाँ से मैंने बिगनर से बनाई है, जिनको बिल्कुल भी शॉर्टहैंड नहीं आती है उनको किस तरह से सीखनी है, तो आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ हम कुछ और नया सीखेंगे शॉर्टहैंड के बारे में या और भी अलग अलग चीजों के बारे में। ठीक है गाइस, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड प्लीज शेयर।